morning guys and welcome back to my YouTube channel. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो. एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये काइंड ऑफ शिप है जिसको M2M फेरी बोला जाता है और ये अभी मुंबई से अलीबाग जा रहा है. सो बात करते हैं ये फेरी तक मैं पहुंची कैसे. सो मैं यहाँ पे अभी आई हूँ जिसको बोला जाता है भाउसा धक्का, जो कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट माजगांव में है, जहाँ से हमें फेरी लेना है. तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो सामने इनका जो सिक्योरिटी चेक है वो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का चेकिंग होता है. सो पहले आपको बेसिक फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी आ जाओ. सो ये पूरा वो टर्मिनल है जो मैं आपको बता रही हूँ. सो ये पूरा शिप, पूरा फेरी का एरिया है जहाँ पे फेरीज खड़े रहते हैं. तो ये M2M शिप है जिससे अभी हमें जाना है माणगांव अलीबाग. सो ये जो गेट आप ओपन देख रहे हो, यहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर के पार्किंग है नीचे के पूरे स्पेस पे. सो आप टू व्हीलर फोर व्हीलर भी लेके जा सकते हो. वो चार्जेस क्या है वो मैंने आगे मैंशन कर दिए हैं. सो बात करते थोड़ा आगे गए तो काफ़ी अच्छा व्यू भी देखने मिला क्योंकि रेनी सीजन है. सो ये आप देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे बाइक पे रुके हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग है. यहाँ पे आपका टिकट्स चेक होगा, फिर आपको अंदर एंट्री मिलेगा. सो रेनी सीजन का टाइम है तो रेनकोट पहनना कंपलसरी. एंड आई नो मैं काफ़ी फनी लग रही हूँ अब, बिकॉज मुझे ये केदारनाथ वाला फील दे रहा है रेनकोट. सो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं तो पूरा पहला टू व्हीलर्स को अंदर भेज देते हैं और फिर फोर व्हीलर का पार्किंग स्टार्ट हो जाता है. सो मैं आपको चार्जेस बता देती हूँ. तो आपको पर पैसेंजर 380 होता है, टू व्हीलर का 210 और फोर व्हीलर का 1020 यानी 1020. और अगर आप पेट लेके आ रहे हो तो इसका चार्जेस होता है 310 और अगर आप कोई बस लेके आ रहे हो तो उसका चार्जेस है 3300. सो चलिए अभी मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ. सो जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से ये पार्किंग कर दिया और इसके बेसमेंट में भी एक पार्किंग लॉट है, वो मैं आपको एंड में दिखाने ही वाली हूँ. सो ऊपर आते ही हम लोग फेरी के जो स्टार्ट वाला पॉइंट है वहाँ पे आ गए जहाँ से फेरी स्टार्ट होता है. सो ये फ्रंट का व्यू है. सो काफ़ी अच्छा, रेनी सीजन की वजह से काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा बारिश था, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा था. और ये मेरा स्ट्रगल ये रेनकोट निकालने के लिए. तो बात करते हैं कि मैं M2M फेरी तक आई कैसे. तो मैंने जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था, तो वहाँ से मैं मुंबई, इनका जो टर्मिनल पोर्ट है वहाँ गूगल पे भी मिल जाएगा, आप आ जाओ. तो मैं जो हूँ वो 2% का और मैं जो स्कूटी लेके आई हूँ उसका कॉस्ट बता देती हूँ. तो वो है 1300 हम दोनों का मिला, और जो स्कूटी का जो हुआ है वो है. सो आपको ये बोर्डिंग पास मिल जाता है जो आपको स्टार्ट में दिखाना पड़ता है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगा. और अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो ये ज़रूर ले. और नेक्स्ट हम लोग आए, फिर हमने हमारा स्कूटी जो है वो नीचे पार्क किया है जैसे कि आप देख सकते हो. मेरा जो फेरी है वो M2M वो 10 o'clock का है, तो आपको 9 बजे यहाँ पे चेक इन करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे प्रोसीजर भी है. आपको गाड़ी लेके आ रहे हो तो वो पूरा पार्किंग वगैरह को बहुत टाइम जाना है. सो आप टाइम से थोड़ा पहले आ जाना. और अभी तो फिलहाल बारिश का टाइम है, लेकिन क्लाइमेट मुझे काफी अच्छा लग रहा है. ना ज्यादा बारिश ना धूप, मतलब मेरे को जैसे चाहिए, मुझे रेनकोट नहीं पहनना पड़ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो आई एम हैप्पी. एंड फिर अभी एक टूर ले लेते हैं M2M का, क्योंकि आपको भी देखना ही है कि वो कैसे दिखता है. सो हम लोग पहले M2M टूर देख लेते हैं और कितना टाइम लगता है वो बता दें. सो लेट्स गो. सो जैसे कि आपको पता है, आपको एक ग्राउंड फ्लोर जिसमें पूरा कार पार्किंग मिलता है, फिर और यहाँ पे 3 फ्लोर है. तो हम जो अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और सेकेंड फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर होता है. तो हमारे जो टिकट पे हमें पहले 2 फ्लोर का एक्सेस रहता है, और जो थर्ड फ्लोर जो थोड़ा लग्जरियस है उसको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है. सो हमारा जो एक्सेस है वो अभी सिर्फ 2 ही फ्लोर का है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर. सो
जैसे कि आप सेकेंड फ्लोर पे देख रहे हो तो आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया अच्छा मिल जाता है। सो यहाँ पे एक स्नैक्स कॉर्नर्स भी है जो आप यहाँ पे स्नैक्स ले सकते हो। सो ये पूरा सेकेंड एरिया मतलब पूरा सिटिंग एरिया ही आपको मिलेगा जहाँ से आप बैठ के पूरा व्यू अच्छे से देख सकते हो। और ये और कार पार्किंग हो रहा है तो अब ये पूरा एंड तक होने के बाद जो है हमारा फेरी स्टार्ट होएगा। सो ये जो है फेरी का स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, बारिश है ना, धूप है, आई मीन ओके ओके है। एंड मैं अभी फेरी पे आई हूँ तो 10 बजे का फेरी है मेरा। सो हम लोग 9 बजे चेक इन कर लिया था और अपने कहा चेक इन के बाद जो है वो अभी हम लोग उठे तो ये फ्रेंड का व्यू है, एंजॉय कर लो। पर मैं गर्मी में मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो। एंड फिर ठीक है, फिर अभी कितना टाइम लगता है वो तो मेरे पहुंचने पर डिपेंड करता है, तो वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट और जो मतलब बहुत अच्छा हवा चल रहा है और ऑब्वियसली मैं भी काफी अच्छी लग रही हूँ। ये आपको मैं सेकेंड फ्लोर से पूरा फेरी का व्यू दिखा रही हूँ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया सिटिंग एरिया जहाँ पे आप बैठ के स्नैक्स खा सकते हो। और एक अच्छा बात है कि यहाँ पे बहुत प्लेजेंट म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। बहुत हवा भी और म्यूज़िक भी काफ़ी लाउड है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये आपको ऐसे छोटे पैसेज मिलते हैं फेरी में जहाँ पर आप एक अच्छा फोटो सेशन कर सकते हो, जो मैं अभी कराने वाली हूँ। सो नेक्स्ट हम इसके बैक साइड पे गए हैं जहाँ पे आपको ये स्टार बोर्ड का जहाँ पे आप ड्रिंक्स एंड ऑल ले सकते हो, यहाँ पे स्नैक्स भी मिलता है तो आप वो हिसाब से प्लान कीजिए और यहाँ से ले लीजिए। सो हमने जो है यहाँ से एक समोसा ट्राई किया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप भी यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स आइटम है वो ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ड्रिंक्स भी मिलता है तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। सो दैट्स इट स्टार बोर्ड। सो एग्जैक्टली 10 AM को फेरी जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा हवा भी चल रहा है और जैसे आप देख रहे हो बाल वगैरह भी बहुत उड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा क्लाइमेट है और फील भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ से व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आप भी कोई ऐसा जगह देख के रुकिए और व्यू को इन्जॉय कीजिए, बिकॉज बाकी बहुत भीड़ है तो ये आपको जगह जहाँ भी एम्प्टी मिले वहाँ पर रुक के आप फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेना। सो आप भी मेरे साथ इन्जॉय कीजिए। चलिए बात करते हैं थोड़ा M2M फेरी के बारे में। तो M2M फेरी इज़ अ रोरो सर्विस, जो ये फेरी हमें मुंबई से अलीबाग में मांडवा एरिया में ये हम लोग को ड्रॉप करने वाला है। सो ये जो फेरी है ये मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था। सो ये जो फेरी का जो साइज़ है वो 100 मीटर है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो आपको बता दूँ इसका जो कैपेसिटी है वो 500 पैसेंजर का है और इसमें जो व्हीकल है वो 150 व्हीकल्स का कैपेसिटी है। सो काफ़ी बड़ा है, जैसे अब मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। सो सर्विसेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि कॉस्ट वगैरह क्या है। तो आप इनका ऑनलाइन पोर्टल है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने ही वाली हूँ, वहाँ पर आपको इनका ओवरऑल डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप आराम से बुकिंग्स वगैरह कर सकते हो। सो चलिए थोड़ा व्यू को इन्जॉय करते हैं। तो जैसे आप ओशन के बीच में जाते हो तो आपको वो कॉर्नर पे जाने नहीं बोलते, बिकॉज़ जैसे वेव शिप को हिट करता है तो ये M2M फेरी भी बहुत हिलता है। सो आप देख रहे हो आगे साइड कोई खड़ा नहीं है क्योंकि आगे साइड थोड़ा रिस्क है। सो आप ये सब देख के ही वहाँ पे खड़े रहें। और ये मैं फेरी के सारे फ्लोर पे इंजॉय करते हुए, सो काफ़ी अच्छा हवा चल रहा था और व्यू भी यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप फेरी पे आ रहे हो तो पूरा फेरी बहुत अच्छे से घूम लेना। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ये फेरी बहुत हिल रहा है जैसे वेव हिट कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था।
सो बाहर का व्यू देख लिया, अभी थोड़े अंदर वाले व्यू देखते हैं। सो ये जो एरिया है ये पूरा कैफ़े एरिया था, तो आपको बहुत सारे स्नैक्स आइटम यहाँ पे खाने मिल जाएंगे। और ये पूरा जो रूम है पूरा एयर कंडीशन रूम है, जो काफ़ी अच्छा ठंडा भी फील हो रहा था जिससे आप देख रहे हो। सो ये सामने भी आप देख रहे हो, ये पूरा कैफ़े एरिया है और ये सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा था। सो इधर अंदर ही आपको वॉशरूम वगैरह यहीं पर मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा व्यू था, बैठ के विंडो में देख रही हूँ और व्यू को इंजॉय कर रही थी मैं। एंड माय फ्रेंड भी लाइक, यार मेरे को मत ले वीडियो में। और ये है हेयर कट दिखाने का निंजा टेक्निक। सो अभी हमारा फेरी एंड हो गया है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया बेसमेंट से भी पार्किंग होता है, तो ये बेसमेंट का पार्किंग है। सो नेक्स्ट हम लोग बाहर आ गए हैं फेरी से, और हमें सिर्फ 45 मिनट्स लगा मुंबई से अलीबाग आने, तो काफ़ी जल्दी आ गए हम। तो वहाँ से हम लोग सिर्फ 30 मिनट पे खीम बीच था, तो जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, तो आने में आपको बहुत सारे बीच मिल जाएंगे, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो चलिए अभी खीम बीच देखते हैं। वहाँ पे थाली खाने हम रुक गए, तो खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा आगे निकल गए और फिर हम हमारे रूम पे चले गए। और थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोग अभी एक लोकेशन पे जा रहे हैं जिसको बोला जाता है रेवदंडा फोर्ट। तो वहाँ पे जाने से पहले हमको एक बहुत अच्छा व्यू मिल गया था, और रेनी सीजन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी था और व्यू काफ़ी अच्छा है, बट रोड्स थोड़े ख़राब थे, बट ठीक है मैनेज कर लिया। तो जाने से पहले आप एक बार ये रोड्स भी देख लो। सो हम लोग पहुँच गए अभी रेवदंडा फोर्ट, तो फटाफट चलते और रेवदंडा फोर्ट देखते। तो ये फोर्ट का टाइमिंग सिर्फ 5:30 तक है, तो आप उससे पहले आ जाइए। सो पार्किंग का आपको 30 रुपीज़ देना पड़ता है। सो हम लोग ने जो है वो नागांव में स्टे किया है, तो हम लोग फटाफट से फ्रेश होके अभी चेंज करके हम लोग जो है वो रेवदंडा फोर्ट पे आए हैं। सो मैंने तो आपको पहले सारे फोर्ट्स दिखा दिए, जैसे मैंने भी खीम बीच आपने देख ही लिया होगा। सो जैसे आप रेवदंडा फोर्ट से बाहर आते हो, तो आपको पार्किंग साइड जाते वक्त आगे ही एक गली मिलता है, जहाँ पे ये एक लोकेशन है जो मुझे मिला है। सो ये लोकेशन आप देख सकते हो कि ये एक फ्रेम में ये बीच पूरा अच्छे से दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। तो
रेवदंडा के बाद सवारी थोड़ी आगे निकल गई। तो ये डैम कौन सा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिलहाल आई हूँ। सो मुरूड जंजीरा जाने से पहले वो डैम हमें मिला था। सो अभी हम लोग अभी जा रहे हैं मुरूड जंजीरा की तरफ। उससे पहले ये काशीद बीच आप देख रहे हो। सो अलीबाग में बीच बंद है रेनी सीजन की वजह से, तो आप उस हिसाब से प्लान करके आइए। सो मुरूर जंजीरा जाने से पहले हम ये लोकेशन पे आए हैं जिसको बोला जाता है खोखरी गुंबर, जिसको खोखरी टॉम्स से भी जाना जाता है। टॉम्स का मतलब होता है हिंदी में कब्र। तो ये जो खोखरी टॉम्स है ये 500 ईयर्स पुराना है और ये जंजीरा से सिर्फ 2 किलोमीटर पे है। तो ये जो खोखरी गुंबर है इसमें 3 कब्र है। तो जो सबसे बड़ी कब्र है वो सिद्दी सुरुल खान की है, जो 1707 से 1734 तक जंजीर राज्य के प्रमुख थे। 2 छोटे कब्र है जिसमें से एक सिद्दी कासिम और एक उनके भाई खैरियत खान की है। सो ये कुछ इतिहास मैंने आपको बताया है। तो ये लोकेशन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो अगर आप जा रहे हो तो मेक श्योर आप यहाँ पे ज़रूर जाइए, क्योंकि ये लोकेशन बहुत खाली मिला हमें। यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। सो यहाँ का देखने लायक जो कब्र है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप ज़रूर आए। बहुत ज़्यादा बड़ा कब्र था ये, और 2 छोटे तो जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएंगे। सो ये मुरूड जंजीरा लोकेशन जाने से पहले ही लगता है, बस आप लेफ्ट साइड में ध्यान देना। सो ये कब्र के सामने ही आपको बीच दिखता है जिसका व्यू बहुत अच्छा था। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अलीबाग आ रहे हो तो ये प्लेस को ज़रूर ज़रूर जाइए। सो वहाँ घूमने के बाद हम लोग मुरूड जंजीरा की तरफ गए, लेकिन काफ़ी बारिश होने की वजह से वहाँ पे फेरी बंद है, तो वहाँ से कोई भी फेरी मुरूड जंजीरा के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए हम लोग ने रोड से ही दर्शन ले लिए। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को। सो वेट टिल माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।